अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। देखिए, आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन फर्स्ट ईयर का है और वह है एनएम, न्यूरो मस्कुलर स्नायु पेशी। अब इसको समझना है कि है क्या, व्हाट इज, क्या है, तो क्या है। देखिए, न्यूरो शब्द का अर्थ तांत्रिक से होता है, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं, और मस्कुलर का मतलब होता है मांसपेशी, न्यूरो मस्कुलर यानी इसका मतलब है मांसपेशी और तांत्रिका तंत्र, हमारे मांस और नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्याएं के बारे में हमारी चर्चा करेंगे। यानी इसका संबंध मसल्स और नर्वस सिस्टम से, नर्वस से, जिसे न्यूरोमस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। यह 1990 में पहचान की गई जो वंशानुगत है। यह न्यूरोमस्कुलर क्या है आ जाएगा, न्यूरोमस्कुलर क्या है तो यह हेरिडिटी है, वंशानुगत है। और कहेगा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम क्या है, आप बताएंगे मस्कुलर न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है, ये मस्कुलर सिस्टम। यदि उपरोक्त दोनों में असमानता पैदा होती है मांस और नर्वस सिस्टम, तो मांसपेशियों को प्रभावित करती है। क्लियर हो गया कि नर्वस सिस्टम और मांस दोनों में से असमानता पैदा होती है किसी एक में, तो यह मांसपेशी को प्रभावित करती है। और हमारे शरीर में मांस होता है पर वह ढंग से कार्य नहीं करता है, मसल्स ग्रेट होता है और उसमें पावर कम हो जाती है, जिसके कारण न्यूरोमस्कुलर डिजीज यानी न्यूरोमस्कुलर डिजेबिलिटी भी आप कह सकते हैं, जो अपर लोअर लिम कहीं भी प्रभावित कर सकता है, अपर मीन्स कमर से ऊपर, लोअर मीन्स कमर से नीचे, ऊपर को भी इफेक्ट कर सकता है, नीचे को भी मसल्स को इफेक्ट कर सकता है। अब देखिए इसमें टाइप्स ऑफ न्यूरोमस्कुलर डिसेबिलिटी, टाइप्स ऑफ न्यूरोमस्कुलर डिसेबिलिटी, देखिए टाइप्स ऑफ एनए यानी न्यूरोमस्कुलर मस्कुलर डिसेबिलिटी, न्यूरोमस्कुलर डिसेबिलिटी कितने प्रकार के होते हैं न्यूरोमस्कुलर डिसेबिलिटी, तो देखिए यहाँ पहला है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र और मांसपेशी में गड़बड़ी होने के कारण क्या क्या डिसेबिलिटी होता है उस डिजीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहला है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। देखिए क्या है, इसको आप एमडी शॉर्ट में इसको आप एमडी भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं एमडी, इसको आप एमडी भी कह सकते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो देखिए यह 3 से 5 वर्ष के बाद पता चलता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी 3 से 5 वर्ष के बाद पता चलता है। उसके बाद है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, देखिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस इसको बोलते हैं एमएस। ये क्या है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अभी बताएंगे इसके बाद हम, ये बहुत पुरानी बीमारी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, ये बहुत पुरानी बीमारी है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस को प्रभावित करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे तंत्रिका तंत्र को, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, किसमें भाई मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। और आगे क्या है न्यूरोमस्कुलर से जो डिसेबिलिटी पैदा होता है वह है सेरिब्रल पॉल्सी, मस्तिष्क पक्षाघात, इसके बारे में मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, कई बार आप लोग पढ़ा चुका हूँ क्या कारण है, कितने कारण है, इसके चिकित्सा इलाज क्या है,
इसमें द्वारा बताना हमें उचित नहीं लगता है। वैसे हमारा यूट्यूब अनिल कुमार सिंह पर जाइए, आपसे अगर कौशिक के बारे में देख भी सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं सेरेब्रल मस्कुलर स्ट्रोक। देखिए सेरेब्रल मस्कुलर स्ट्रोक ये क्या है? जब मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह रुक जाता है, मस्तिष्क में रक्त का जो खून का संचार होता है जब रुक जाता है, और तब क्या होता है कि वह फट जाता है, जिसे ब्रेन हेमरेज होता है, उसे क्या कहते हैं? सेरेब्रल मस्कुलर स्ट्रोक या मस्तिष्कीय बीमारी। और अदर है पार्किंसंस डिजीज, है ना, पार्किंसंस डिजीज। यह जो है मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी है, जिसमें यह काम करने की गतिविधि को प्रभावित करता है। यह सोचने की बात है, जब हमारा मस्तिष्क गड़बड़ हो जाएगा तो हम कोई काम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, यह स्थिति से पैदा होता है। अब है स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा क्या है? उसको हिंदी में बोलते हैं द्विशाखी रीढ़, द्विशाखी रीढ़। जो पीछे की रीढ़ में क्या होता है कि वो जन्म के वक्त एक खुला छूट जाता है, जिसमें एक से दो मुंह हो जाता है, इसे द्विशाखी रीढ़ कहते हैं। इसके बाद है पोलियो। देखिए लास्ट में पोलियो, आप सबको मालूम है पोलियो क्या है, पोलियो कैसे फैलता है, इसका क्या इलाज है, इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, अनिल कुमार सिंह को बताइएगा आपको मिलेगा। वैसे यह वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है, या जहाँ तहाँ खुला और गंदगी वातावरण हो तो उसे पोलियो फैल जाता है। अब ये जितना भी है ये सारे के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सात प्रकार का मैंने बताया है, ये सातों ऑल आर कम, ऑल आर कम्स इन द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी अंडर अंडर आर ए डब्ल्यू डी एक्ट दिसंबर 2016 के तहत दिसंबर ये सारा का सारा डिसेबिलिटी कैटेगरी में रखा गया है, जो कि थोड़ा सा अगर मूवमेंट कर दीजिए तो यहाँ पता चल जाएगा। राखी इसको दिखा दो, इसमें है तो ये सारा का सारा डिसेबिलिटी कैटेगरी में ये आ जाता है, सब डिसेबिलिटी कैटेगरी में, थोड़ा सा मुक्त आ जाए डिसेबिलिटी कैटेगरी में आ जाता है। और ये सभी जो है आप चाहेंगे कि ये कैसे हुआ है, तो यह पूरा का पूरा 1 2 3 4 5 6 7 सभी ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैसे हुआ है? न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के कारण ये सारी दिव्यांगता पैदा हुआ है, इसीलिए इसे RPWD दिसंबर 2016 के तहत इसे रखा गया है। मैं समझता हूँ कि आप NM को यानी न्यूरोमस्कुलर को सही ढंग से समझ गए होंगे, और मांसपेशीय क्षरण उसको बोलते हैं, यानी मांस का ह्रास होना कैसे होता है आप लोग बता दिया गया है। जब नर्वस सिस्टम मसल्स का प्रॉब्लम होगा, ये दोनों में एक भी कुछ कमी आएगी तो समस्या उत्पन्न हो सकता है, और जिसके चलते ये सारे प्रकार के डिसेबिलिटी पैदा हो जाते हैं। तो हमारा वीडियो समाप्त होता है, तब तक के लिए जय हिंद।